हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिद्धि ब्यूटीफुल लाइफ में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ये देखिए मेरा छोटा छोटा पेड़। मेरे को पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, इसलिए हम बच्चों के साथ साथ पेड़ पौधे को भी दिखाते रहते हैं सबको। अभी मेरी रिद्धि सिद्धि सो रही है, सुबह का 9:15 बज चुका है। दोनों बहनें भी सो रही है। कंबल से निकल गई है, कंबल से बाहर आ गई, उसी पे सो रही। इधर मच्छरदानी लगा हुआ है भी, क्योंकि रिद्धि रात में ढंग से नहीं सोई है वो। जबकि कल हम डायपर इन लोगों को पहनाए थे कि आराम से सुसु का चक्कर नहीं रहेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा कि क्या रात भर छटपट छटपट कर रही है, अच्छे से सोई नहीं। तो अभी सो रही है, तो हम जल्दी उठ गए थे तो सारा बर्तन वर्तन धोए अपना, जल्दी जल्दी जो हो सका बच्चों के लिए खाने का कुछ बनाए, उपमा बनाए। फिर ऐसे खा तो नहीं रही है रिद्धि, लेकिन फिर भी हम हर दिन बना देते हैं। अभी सब्जी आलू पत्ता गोभी का खुद के लिए डाले हैं कुकर में, और बन ही जाएगा तो फिर रोटी बना लेंगे। मतलब एकादशी जो हम कल बोल रहे थे, एकादशी कल नहीं था, आज है एकादशी। ये मेरा ब्लॉग देखी तो माँ बोली कि इतना टेंशन लिया है बैगन खा के, तो एकादशी आज है, उसको बता देना। तो इनका फ़ोन आया था तो ये बोले एकादशी तो आज है, कल नहीं था। पर्दा लगा के ये वाला दरवाज़ा भी सटा के रख देते हैं, क्योंकि इधर से हवा बहुत आता है और खुला है तो काम होता है, खोल देते हैं तो बहुत हवा जाता है। तो ये दरवाज़ा सटा देते हैं तो अंदर रूम गर्म रहता है। जब तक ये लोग सो रहे हैं, अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों का ही कपड़ा है ये भी धो लेंगे बैठे बैठे ऊपर भी। ये देखिए सिद्धि रानी छो के उठ चुकी है। हेलो करो तो बेटू, हेलो करो, ऐसे हाथ से करो, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी बोलो। तुमको तो आता है बोलने, गुड मॉर्निंग बोलो। कैसे करती है सिद्धि? हाँ हेलो, मैं सिद्धि हूँ बोलो। और मैं छो के उठ चुकी हूँ और मेरी बहन अभी सो रही है। रिद्धि भी सो के उठ चुकी है। रिद्धू रानी है? रो रही है, अभी घूमेगी थोड़ा। रिद्धू है, पेंसिल मुंह में ले रही है, निकालो रिद्धि। रिद्धि पेन निकालो मुंह से, इधर देखो पेन। फिर रिद्धि, रिद्धि कैसे इग्नोर करती, जैसे सुन ही नहीं रही है, सब सुन रही है, जान के इग्नोर कर रही है हमको। बेटू मम्मा कुछ बोल रही है आपसे? हाँ अब देखिए, गुड गर्ल, वेरी गुड बेटा, दे दीजिए। देती भी है, बात भी समझती है चुगवा मेरी। फिर से वही गलती, फिर से वही बदमाशी, दे देगी हमको। रुको हम ले ही लेते हैं। सिद्धू सिद्धि अभी छोटी दीदी के घर से घूम के आई है, और अभी आई है मेरे पास, तब इसको तैयार कराएंगे। इतना खांसी कफ इन लोगों का बढ़, और ठीक ठाक रह रही थी तो अकेले भी है तो कोई बात नहीं। जब से क्योंकि बच्चा लोग मेरा बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, जैसे बोले तो चिल्ला क्यों दी बेटू, तुम तो हल्ला कर दी, तो रह रही थी ठीक ठाक ही दोनों, लेकिन कि समझ रही है लोग भी कि हम लोग अकेले हैं अभी, मम्मा अकेले सब करा रही है। क्योंकि हम बोलते हैं ना रिद्धि को कि रिद्धि हम जा रहे हैं सिद्धि का पट्टी धोने, तुम बदमाशी मत करना, बैठे रहना। तो वो बैठे रहेगी और ऐसे झांक झांक के देखते रहेगी कि मम्मा आई क्या नहीं आई। और यहाँ बॉटल बनाने जाएंगे तो सिद्धि को बोलेंगे ना, इसको तो आदत है मुंह में निपल रखने का, तो निपल दे देंगे ऐसे खोल के, और नीचे से बॉटल लेके जाएंगे ऐसे, और बोलेंगे हम दूध भर के आ रहे हैं बेटा, तुम रहना ऐसे ही। तो निपल लेके ऐसे पड़े रहेगी, लेटे रहेगी खाली निपल लेके, फिर दूध लेके आते हैं तो पिएगी। अब देख ली बॉटल, तो सिद्धि को बॉटल चाहिए।
जरूरी नहीं है कि दूध ही पिए कि ऐसे भी मुंह में रखे रहती है खाली भी। देखिए स्टाइल कैसे लेट गई। सोना नहीं बेटा, अभी तैयार कराएंगे आपको। आप बहुत गंदे हो गए हो, बहुत गंदे हो रहे हो। गंदू गंदू दिख रही है लाडू, लाडू गंदू गंदू दिख रही है। ची 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 ची। हाँ कल तो मार्केट भी गए इन लोगों को, पहले तो दवाई दिलाई होम्योपैथिक वाला जो दिलाते हैं हमेशा इन लोगों को वहाँ से डॉक्टर साहब से होम्योपैथिक दवाई, सर्दी खांसी भूख नहीं लगना गैस बनना ये सब चीज़ का मिला के ही दिए, वो कराए। उसके बाद फिर राशन का बहुत कुछ ख़त्म था तो वो सब भी ले लिए। पूर्णिमा के साथ गए थे दोनों बच्चा को लेके। जैसे मेरा पाउडर दूध ख़त्म था, चाय पत्ती ख़त्म था, चीनी ख़त्म था, इन लोगों का सूजी ख़त्म था वो लिए। फिर डायपर भी एक बड़ा सा पैम्पर का इसका पैकेट ले लिए क्योंकि रात में सुसु करती है। पैंट वेंट अभी उतना टाइम से नहीं हो पाता, वो सब तो माँ कर देती थी, हमेशा उल्टाते पुलटाते रहती थी, धूप दिखाती थी, सुखाती थी। मूढ़ी भी खरीदे, हाँ मूढ़ी लिए, मूढ़ी ख़त्म था। ये सब चीज़ चीनी यही सब लेके फिर हम लोग आए। रिद्धि सिद्धि का भैया देखिए आज झूठा पहन, सिद्धु रानी को यहाँ पर देखिए फ्रॉक पहनी हुई है। हाँ सिद्धि आज अच्छा वाला फ्रॉक पहनी है। यहाँ पर देखिए जेब भी, ये फ्रॉक इस साल, हाँ पॉकेट नहीं, पॉकेट नहीं ऐसे ही। ये फ्रॉक अगर इस साल नहीं पहनाते तो छोटा ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही पहना के इसको इधर उधर ले जाते थे लेकिन ये छोटा हो जाएगा इसलिए घर में ही पहना देंगे इस बार। और ठंडा भी बहुत ज्यादा है, इसको गर्म का जरूरत भी है, ये बहुत गर्म है ये वाला स्वेटर। तो सिद्धि को भी डाल दिए हैं, अभी लहसुन तेल से इसका मालिश किए और पोछ पाछ के। टोपी से इसका बाल देख रहे, टोपी कंटिन्यू पहना के रखते हैं ना, हवा है नाक से पानी गिरते रहता है। तो अब इसको देख रहे हैं, लहसुन तेल आज भी बनाए हैं और पका के मालिश किए हैं। ये देखिए सिद्धि तैयार होके अब सोने का कोशिश कर रही, मेरे गोद में आके बैठ गई है, बहुत रो रही है, इसका मन अच्छा नहीं है। घूम के आई है, अभी गुस्से में भी है रिद्धि। गुड्डू गुड्डू लगी बेटा, गुतू गुतू लगी, क्या खा खा करेगी, नहीं बताएगी क्या करेगी। ठीक है, हेलो क्या हुआ बेटा, आज काहे रो रही है तुम इतना? डांस करो, डांस करो। टंकी पे बैठी थी तैयार होकर, डांस करो, इससे बजाता है। कैसे डांस करती है, कैसे करती है रिद्धि? सिद्धि भी कर रही है डांस, सिद्धि भी, रिद्धि भी तैयार हो गई है डांस का। सी बच्ची बदमाश। देखो सिद्धि, रिद्धि को चुप करा दो सिद्धि, आज रिद्धि रो रही है। सिद्धू चुप करा दो तो बेटा रिद्धि को, बोलो तो चुप हो जाओ रिद्धि, मत रो, क्यों रो रही है तू? खेल नहीं रही है तुम लोग, लगता है सोएगी सिद्धि। रिद्धि भी सिद्धि से, सिद्धि इधर देखो, सिद्धू तुम बाय बाय कर दो तो बेटा, बाय बाय कर दो तो, बोलो तो कल एक न्यू ब्लॉग में मम्मा मिलाएगी आप लोगों से।